मैडम गैस नहीं है इसमें, इसीलिए कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ठीक है भैया, गैस डाल दो। कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए लगेंगे मैडम, 600 गैस के और 400 मेरी सर्विस के। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे थोड़ी लगते हैं गैस डालने के। मैडम ज्यादा थोड़ी बता रहा हूँ, बिल्कुल जायज पैसे बताए मैंने आपको। बाकी अगर आपको नहीं करवाने हैं तो आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम तो नाराज फूफा की तरह भागे जा रहे हो। चलो ठीक कर दो, वैसे बिना फ्रिज के इतनी मुसीबत हो रही है। ठीक है। मैम आपका ऑर्डर। पौना घंटा पहले ऑर्डर दिया था तुझे और तू अब ऑर्डर लेके आ रहा है? ऐसा तुम्हारे भरोसे रहेगा ना इंसान, तो भूखा मर जाए। सॉरी मैम, बारिश की वजह से लेट हो गया। मैम आपका बिल। बिल? किस बात का बिल? पूरे 45 मिनट बाद आए हो तुम, और तुम्हारे रेस्टोरेंट का रूल है कि अगर आधे घंटे के बाद खाना आया तो खाना फ्री। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, वरना बिल के पैसे मेरे सैलरी से कटेंगे। हाँ तो कटने भी चाहिए, गलती जो की है तूने। मैम प्लीज प्लीज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैम, प्लीज मुझ पे दया कीजिए। तू जा रहा है या नहीं जा रहा? वरना अभी तेरे रेस्टोरेंट में कॉल करके कंप्लेन कर दूंगी, जॉब से भी हाथ धो बैठेगा। नहीं 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 मैम, मैम कॉल मत कीजिए, सॉरी मैम मैं जा रहा हूँ। मैडम गैस डल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं बीड़ी पी के आता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। एक मिनट रुकियो भाई, कितने का बिल था तेरा? 700 रुपए का। इसने तो पैसे दिए नहीं, अब क्या करेगा? करूँगा क्या भाई, मालिक मेरी सैलरी से काटेगा। एक तो वैसे ही पैसे कम मिलते हैं, ऊपर से नुकसान और हो गया। एक बात कहूँ भाई, बुरा मत मानियो, तुझे अपने बिल के पैसे ना हक से मांगने चाहिए थे, ऐसे गिड़गिड़ा के नहीं। क्या ही बताऊँ भाई, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गांव से शहर आया हूँ, ये मेरी पहली नौकरी है। 7500 रुपये महीने के मिलते हैं मुझे। मालिक ने कहा है कि 2 महीने तुम्हारा काम देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो परमानेंट कर देंगे और सैलरी भी बढ़ा देंगे। अब आप ही बताओ, अगर मैं इन मैडम से बहस करता तो मेरी कंप्लेंट कर देती, नौकरी तो जाती और मेरी सैलरी भी रुक जाती। मेरे घर पे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये साले लीचड़ लोग गरीब आदमियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। ये पैसे रख ले, बिल भर लियो। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी वजह से आप क्यों नुकसान उठाओगे? अरे ये ले रख, और तू मेरे नुकसान की फिक्र मत कर, क्योंकि मुझे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। पैसे रख और बिल भर दियो। धन्यवाद भाई। हाँ भैया ठीक हो गए फ्रिज? हाँ मैडम, मैंने गैस तो डाल दिया इसमें, लेकिन इसकी तो कंप्रेशर रिले भी फूकी हुई है। मतलब? मतलब मैडम जब तक इसमें कंप्रेशर रिले नहीं पड़ेगी ये ठीक नहीं होगा। अब ये क्या नया ड्रामा है भैया, पहले तो गैस की दिक्कत बता रहे थे, अब एक और प्रॉब्लम। अरे ये थोड़ी एक के बाद एक चीज गिनवाते रहोगे। मैडम मैं गिना नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, फ्रिज ठीक कराना है तो 1700 रुपए लगेंगे मैडम, नहीं तो निकालो मेरे 1000 रुपए, मैं चलूँ। नहीं दूंगी पैसे, क्या कर लोगे? देखिए मैडम, जितनी ज्यादा देर आप लगाएंगी ना उतनी ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने मुझे ऑनलाइन बुलाया है, और हमारी कंपनी के तो रूल आपको पता ही होंगे, घंटे के हिसाब से चार्ज होता है हमारा। और अगर आप पैसे नहीं देंगी ना तो आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी। और हाँ, मुझे उस डिलीवरी बॉय की तरह मत समझ लेना, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, फ्री के नहीं। अच्छा ठीक है, लेके आ रही हूँ पैसे, लेकिन फ्रिज ठीक करके जाना आज। फ्रिज ठीक करके ही जाना है, ऐसे लोगों की ना अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है।